गुज़िश्ता हफ्ते की रात तीन नौजवान मलकपेट रेलवे पुल पर सड़क पर चल रहे थे कि एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे एक हलाक और दो दीगर जख्मी हो गए। मुतासरा के अहले खाना के बारे में तशवीश है कि पुलिस के पकड़ जाने के बाद मुलजिमान को उनके हवाले किया जाए। इतला मिलने के बाद सुल्तान बाजार के ACP देवेंद्र वहां आए और मुतासरा खानदान के अफराद को यकीन दिलाया कि मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता दिनों मलकपेट रेलवे पुल पर तीन नौजवान सड़क पर चल रहे थे, इसी दौरान उनसे एक नामालूम कार टकरा गई थी। वाकये में दो अफराद जख्मी हो गए थे, जबकि एक शख्स की मौत हो गई थी, जिन्हें थंबे अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जो दौरान इलाज दम तोड़ गए। यही मैंने 19 तारीख को तीन लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, उसको एक कार वाले ने टक्कर दिया, टक्कर देके भाग गए। अपन तीन टीम बना के उसको पकड़ के लाया, उन्होंने कड़पा वासी है, कड़पा चले गए थे, उसको पकड़ के लाया। उसका नाम है रोहित रेड्डी। इसमें तीन आदमी में अफरोज, मुख्तार और सोहेल वो बोलने वाला, तीनों का एक्सीडेंट हुआ था। सोहेल कल मर गए, इसलिए 337 एंड 304 ये अभी आल्टर करा। 304 ये 337 में केस इन्वेस्टिगेशन चल रहे, इसे दरमियान रोहित रेड्डी को आज अरेस्ट करे, कल कोर्ट में प्रोड्यूस करते इसको अरेस्ट करे बोल के। वो जो मर गए सो आदमी का, सोहेल बोलने वाले माँ बाप आके पुलिस स्टेशन में हमको इंसाफ दिलाओ हुई है बोल के पुलिस स्टेशन में आए, उसको भरोसा दिया हम इंसाफ करते बोल के, कल उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करते, कानून जो बोलते वो कानून कार्रवाई चलते। थैंक यू। ज़्यादा